पुष्पा फिल्म का डायलॉग, पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला। हम सब जानते हैं इस फिल्म में पुष्पा कैसे चंदन की तस्करी कर बड़े चंदन तस्कर बन जाता है। हमने देखा कि क्या इस फिल्म में पूरे भारत देश को दीवाना बनाया था, लेकिन इस फिल्म से चंदन की तस्करी का विचार अब गोंदिया में देखा गया है। जी हाँ, इस फिल्म के विचारों से गोंदिया शहर में भी इस तरह के चंदन के पेड़ों को काटा जा रहा है और लकड़ियों की चोरी हो रही है। हैरानी तो हुई ना, लेकिन हाँ ये सच है, ऐसी घटना गोंदिया शहर में भी हुई है। गोंदिया वालों सावधान रहे, क्योंकि गोंदिया सक्रिय हो गया है। हम सभी पुष्पा गिरोह को जानते हैं और पुष्पा गिरोह क्या कर रहा है। अगर आपके घर में कोई चंदन का पेड़ है तो सावधान हो जाइए, वरना आप भी पागल हो जाएंगे कि मेरा पेड़ चोरी हो गया है, और इसकी सूचना पुलिस को दी जा रही है। दूसरी घटना गोंदिया शहर के रामनगर थाना क्षेत्र के पूना टोली इलाके में दो घरों में हुई है। कुछ दिनों से चार पांच अज्ञात व्यक्ति गोंदिया शहर में तीन स्थानों पर सफेद चंदन के पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ के बीज तने को चुरा रहे हैं। वे बीज के पेड़ को भी परिसर के अंदर ले जा रहे हैं। थाने में शिकायत की गई है और पुलिस में शिकायत की गई कि मेरा पेड़ चोरी हो गया है पहली बार, और वो भी गोंदिया शहर में हुआ होगा। अब पुलिस को पेड़ चोरों को पकड़ने का काम करना होगा। हम देख सकते हैं कि पुलिस महकमा पुष्पा को गोंदिया जिले में ढूंढने के लिए तैयार है, और इतना ही नहीं, यह पुष्पा गिरोह एक सीसीटीवी कैमरा चोरी करते हुए भी पकड़ा गया है, और जल्द ही यह पुष्पा गिरोह पुलिस के गिरफ्त में होगा। 7 तारीख की है बात, यही महीने की, आई थिंक 15 to 18 ईयर्स और 20 ईयर्स रफली था उसका एज झाड़ का। और हम लोग लाइक रात को सो रहे थे, हम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग उठे 6 o'clock या 5:30 के अराउंड, तो तब बाहर आने के बाद पता चला कि अरे झाड़ काट के लेके चले गए करके, चोरी हो गया करके। और रात के आई थिंक 2:30 के बीच की बात है, तभी हुआ। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता कितने आए थे, बट अज्यूमिंग कि बड़ा झाड़ था तो 2-3 लोग तो थे आराम से। एंड जो मेन जो सेक्शन होता है स्ट्रेट ट्रंक जो होती है उसकी, वही लेके गए, वही चोरी करके गए। बाकी तो ऐसे डगाल वगैरह जो सेक्शन था ब्रांचेस का, वो सब ऐसे छोड़ के चले गए, क्योंकि लग वैसे ही रहा था कि आ रही या मशीन से, लाइक स्मॉल मशीन वगैरह से ऐसे कुछ काट के लेके गए होंगे करके। कंप्लेंट वगैरह हमने इन्फॉर्म वगैरह किया था लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइड आई थिंक। ये जो चंदन, सफ़ेद चंदन का पेड़ चोरी हुआ है, वो करीब 20 से 22 साल पुराना था, जो हमारे ससुर जी ने लगाए थे सतोना से लाके। और ख़ास बात यह है कि ये घर के अंदर होते हुए इसकी चोरी हुई है, और वॉल कंपाउंड कूद कर चोर आए हैं और काट कर लेके गए हैं। और करीब 10 से 12 फीट वो ऊंचा पेड़ था, तो मेन जो पार्ट था वो लेके चले गए हैं, और पत्तियां वगैरह और जो छोटी टहनियां थी वो छोड़ के गए हैं। यहाँ हमारे घर में और दो चंदन के पेड़ है जो करीब 7-8 साल पुराने हैं, तो इन्हें एज इट इज़ वो रख के गए हैं। इसकी कंप्लेन मैंने सिटी पुलिस स्टेशन में आज सुबह करवा के आई हूँ, उनकी भी जो तैयारी है वो चल रही है कि चोरों को किसी तरह पकड़ा जाए। जी हमारे रिश्तेदार है, दीदी रहते हैं पूना टोली में, दीदी जी अजी तो नागपुर रहते हैं, लेकिन उनकी जो मम्मी है वो यहाँ रहते हैं, तो वो भी करीब 2 से 3 बजे के बीच में उनके यहाँ भी चोरी हुआ है। उनके बगल में परमार जी रहते हैं, उनके यहाँ भी एक पेड़ चोरी हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से पूरी गैंग है जो निकली हुई है और वो रात को चोरी कर रही है। हाँ, एक व्यक्ति दिख रहा है जिसके हाथ में कुछ औजार जैसा है, और उसके साथ 1-2 लोग और दिख रहे हैं, और उन्हें लगता है उन्होंने काफ़ी दिन से वॉच करके रखे थे कि यहाँ जब कोई रहेगा नहीं, या मतलब खैर हम तो ऊपर ही थे, लेकिन उनको जो सुपरविजन था वो बहुत दिनों से था, वो स्टॉक कर रहे थे कि कहाँ कहाँ चंदन के पेड़ है जिसे काटा जाए। सर जी, ये 6 तारीख की रात की 2 बजे की घटना है। ये झाड़ काटने के बाद अचानक जब गिरा, तब हमको जोरदार आवाज़ आई, तब हम बेडरूम में सो रहे थे, फिर उठे हम, देखे खिड़की में से, हमने रूम चालू, लाइट चालू नहीं की थी, 2 जन बाहर दीवार पे बैठे थे। उसके बाद में फिर हमने मिसेस को उठाया कि भाई चोर है, तो उसके बाद उन्होंने मोबाइल चालू किए, वो भी उठे, तो उनको समझ में आ गया कि ये लोग जग गए, तो फिर वो भग गए। फिर हमको डाउट था कि बोला ये 1-2 घंटे बाद ये वापस जरूर आएंगे, तो हम लोग तो लाइट वाइट बंद करके सो गए फिर से वापस। फिर 1 घंटे में हम लोग रूम में जग ही रहे थे और घूम रहे थे हम लोग रूम में और बेडरूम में। तो वो 1 घंटे बाद फिर 2 जन, 1 जन दिखा ग्राउंड में, फिर दूसरा आया, फिर दूसरे ने झाड़ काटना शुरू किया, फिर मैंने मिसेस को फिर उठाया और फिर बोला उसको, खिड़की में से चिल्लाया मैंने, ठहर रुक बोला, मैं आ रहा हूँ बोला, तो फिर भागे वो लोग।
फिर भगे तो फिर मैं बाहर, फिर 10-5 मिनट बाद में भी डंडा लेके बाहर निकला था, वो छुपे हुए थे। हमारे हिसाब से तो दो थे पंजाब, बाद में दिखे हमको 4 से 5 जन दिखे। गोंदिया में कई लोगों ने अपने घरों में सफेद चंदन के पेड़ लगा रखे हैं और वर्तमान में गोंदिया में सफेद चंदन के पेड़ बड़ी संख्या में चोरी भी हो रहे हैं। इसीलिए पुलिस को इस पुष्पा गिरोह को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और इसके लिए अपने पेड़ों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को भी रात में जगकर अपने पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए गोंदिया के नागरिकों ने मांग की है कि चंदन चोरों के गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। BCN न्यूज़ के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर।